मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में विभिन्न मुद्दों पर सीधे बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मैं आज आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दूंगा कि आज 100 करोड़ वैक्सीन हमारी कोरोना की लगने वाली है और इसकी विशेषताएं कई हैं। हम विश्व में सबसे बड़े वैक्सीनेशन के साथ साथ महामारी तो पहले बहुत आई, बीमारी तो बहुत आई, पर प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि भारतीय वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बनी और उसने सफलता के आयाम छुए। आज कोरोना अंतिम दौर में पहुंच गया है और हम निर्णायक दौर में पहुंच गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो हमारी जो बहन है ना प्रियंका जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार यहां पर जो बिटिया है जिसके पास 7 कांग्रेस के विधायक जी ने ये कृत्य किया है जैसा वो कहती है, उत्तर प्रदेश में घड़ियालू वासियों बंद करके वहां पर जो कांग्रेस के चमीटे से राजनीतिक रोटियां सेकने की आप कोशिश कर रही हैं, इस पीड़ित बिटिया से तो मिल लो। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका जी, यहां कोई नहीं रोकेगा आपको, पूरी सुरक्षा हम देंगे, पर एक बार बिटिया से तो मिलो, पूरे आपके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। अगर वास्तव में आप नारियों की हितैषी हो तो इस पीड़ित बिटिया से मिलो और उसकी पीड़ा को समझो। बलात्कार के पैरोकार जो आपके दोनों नेता हैं जो कह रहे हैं कि उस बलात्कारी जिसके ऊपर ये रिपोर्ट हुई है, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने आदरणीय तनखा जी को फोन किया था केस को लड़ने के लिए, और उनको भी समझाओ जरा, तब तो नारी का सम्मान है, अन्यथा घड़ियाली वासु बहाना बंद करो उत्तर प्रदेश। जो भी गरीब से जुड़ी बात हो, जनजाति से जुड़ी बात हो, SC से जुड़ी बात हो, आप कांग्रेस का सवाल देखो, क्या वो नहीं चाहते, कहे ना कि हम नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूं मिले, घर घर गेहूं मिले, आपका राशन आपके द्वार योजना चालू। अरे भाई चुनाव की बात है, हमने चुनाव में कह दिया कि उन विकास खंडों में ये योजना चुनाव तक लागू नहीं होगी, लेकिन चाहे संबल की योजना हो, चाहे जनजाति भाइयों को पट्टे देने की योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं, कांग्रेस को प्रसव वेदना होती है ये देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। ये हमारा जो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने का है, विनोद छावड़िया, मुकेश कुमार धारानी, उमेश थारानी, अनिकेत कुमार, कुमारी मुस्कान और रीवा कुमारी, ये अब भोपाल में अभी तक कुल 178 नागरिकों को कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ये भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। सभी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन शामिल हैं। 7 नागरिकों को आय दी जा रही है, इस प्रकार कुल 185 को यह नागरिकता हमने अभी प्रदान की है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।